सो गाइस बहुत दिनों के बाद में मैं ब्लॉग में आ गया हूँ। सो गाइस आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि हम लोग आज जा रहे हैं फलाघाट, मैं और मेरा दोस्त अमित। तो ये रहा बसंत यहाँ पर है, फ्यूल थोड़ा सा डालना है, सॉरी फ्यूल नहीं हवा डालना है। तो ये रहा मेरा दोस्त यहाँ पर है। तो बहुत दिनों के बाद में ब्लॉग में आ गया हूँ, मैं ब्लॉग डालूंगा। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, मिनी छोटा सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम वेटनेस टी नहीं और छुट्टी हुई सुबह कराटे क्लास के, उसके बाद निकल रहा हूँ, देखते हैं आगे। सो गाइस हवा खुद ही डाल रहा हूँ क्योंकि अभी हवा डालने वाला आदमी नहीं है। हेलो अली, हवा डालने वाला आदमी है नहीं, तो यहाँ पर मैं खुद ही कर रहा हूँ। इस तरफ तो अभी जर्नी स्टार्ट हो गया हम लोगों का फलाघाटा की तरफ। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं फलाघाटा, थोड़ा बैठ लेते, रेस्ट कर लेते। नॉर्मल ये राम ये राम गजब बेइज्जती है। हो गया अब निकल रहे हैं, उसका वो थोड़ा अंडा बच्चा है तो थोड़ा सा मिठाई उठे ले लिया, बिस्कुट बिस्कुट पैकेट का क्या क्या है रेट से। तो निकल रहे हैं यहाँ से, फिर आगे आगे बहुत सारा आगे बस्ती में है, देखते आगे। चलो चलो रास्ता कितना अच्छा है, बहुत सारा अच्छा है ना। ये बस्ती का रोड है यहाँ पर, नोमेल का ये जो बस्ती है यहाँ का रोड है। और यहाँ पर देखा गया खेती किसान कितना अच्छा करते हैं ये लोग, जैसे कि धान हो, ये रहा यहाँ पर धान लगा हुआ है, मकई लगा हुआ है, बहुत सारा। जैसे ये जो बनाना का जो पेड़ है, ये जो केला का, केला का होता है मेरा हिसाब से। ये देखा वहाँ यू बाटम ढलाई करे सर गाइस, ये रोड को कभी देखे पीसीसी ढलाई हो गया है, देखे तो ये खराब था पहले, पूरा का पूरा रास्ता पूरा अच्छा है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए, ये रहा मेरा दोस्त का घर विप्लव, और इसका गाड़ी है ये, और बहुत सारा गुआ यहाँ पर, आगे गुआ का खानी, पीछे पोल्ट्री का खानी। ये रहा, ये है पोल्ट्री फार्म, और ये रहा मेरा दोस्त वहाँ पर किया है पानी के लिए। इसको बोलते हैं पोल्ट्री। तो गाइस देखिए यहाँ पर पोल्ट्री कितना सारा है ना, वाह वाह। अभी आ गया फाइनली हम लोग यहाँ पर, आना यही था, तब देखते हैं इसके बाद में। ये रहा विप्लव पूरा पानी उनी दे रहा है पूरा गर्म वैसे ही ना। ये जो हम लोगों का खोखला एरिया है, दक्षिणपाड़ा है, जैसे कि हरण भद्र बस्ती हो या खोखला हो, इतना भी जो भी है, उन सब जगह में हम लोग भी खेती कर सकते हैं यहाँ देख कर। अगर हम लोगों का आदमी वहाँ पर अगर खेती करने से बहुत अच्छा होगा, जैसे कि खेती करने से क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाता है हम लोगों को, जैसे कि घर में अगर लेना हो तो टमाटर हो, कुरसैनी हो, भिंडी हो, आलू हो, अदुआ हो, कुछ भी चीज़ हम लोग खुद लगा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक जो है वो हम लोग को आजकल नहीं मिल रहा है, हम लोग जब सब बाज़ार से खरीद के खा रहा है। तो जब यहाँ पर अगर खेती कर सकता है, यहाँ पर मकई लगा सकता है, यहाँ पर धान लगा सकता है, यहाँ पर खेती फ्रूट्स का हर कोई चीज़ का कर सकता है, तो हम लोगों का भी वहाँ पर कर सकता है मेरे हिसाब से। तो रही बात दूसरी, जैसे कि कोई भी गाछ, जैसे कि जैसे कि जो गुआ का गाछ जो होता है, इसमें इस तरह से इसको पान का पत्ता बोलते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इस तरह से रुख पात, जैसे कि हरियाली अगर घर के और उस पड़ोस में होने से गर्मी कम होता है, जैसे कि अभी हम लोगों का जेगोमेंट 38 बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा रुख पात हरियाली होना ज़रूरी है। ये है सुपारी, ये गुआ है गुआ, और इसको ये रहा इतना बड़ा बाग, इसको ऐसा करने से रंग निकलता है इससे, जैसे कपड़ा में जो रंग लगाता है ना, वो रंग ते रंग है ना, यो इसके बना होता है तीन। तो बाकी ये जो गुटका है उसके बाद में रंग, बाकी ये सब गुटका है कलर, और यहाँ पर इसका खानी है ये। बहुत सारा और ऊपर भी है भाई गोने इतना टाइम चलो एक किलो दूध छोड़ा आप ही खाना बस।
अब निकलते इधर उधर थोड़ा सा गाय देखना है, बंदूक गाय खरीदेगा तो बस अभी रातो कालो हरे नीलो पहले फलकट में नौ मिल के अंदर आज पूरा घूम रहा है। गाई अच्छा ही लगा हम लोग लेकिन जो रेट बोल रहा था वो नहीं हुआ बाकी दूसरा तो चलते जैसा सोचा था ऐसा तो नहीं हुआ गाय के लिए। अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से आगे नदी है तो थोड़ा नदी देखने जा रहे हैं देखते आगे। और गैस आप लोग क्या लगा कैसे लगा कमेंट कर सकते हैं। गैस अगर चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भूलिएगा मत। गैस इसमें भी नहीं ऐसा क्वालिटी हुन्छ था भएन मलाई हीरो हीरा हुन्छ हीरा जसमा हुन्छ त्यसलाई पाउँदैन त ओ बोधीलाई दिनु गएको बोधीलाई गठे आई डेडी मेरा दोस्त अभी वहाँ पर आंटियों को घूंगी देने के जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो दिला कितना कती पाए बाव अली बुढ़ा चैनल रहता है वाला बहुत होइन बोधीलाई कति दिए तिमीले घुङ्गी घुङ्गी दे एक किलो घुङ्गी दिइहाल्यो बिचरा गयो यहाँबाट अन्त के बाद मियाँ पर आ गया। इसके बाद भी इस लंच के लिए व्यवस्था मिला गया तो लंच ले रहे थे। इसको बोलते हैं पाटा दूरी और ये रहा डोमा मतलब कि गुटका। लंच ले लेते उसके बाद में देखते हैं। लंच तो हो गया अभी ये रहा डिकी कॉल यहाँ पर है अभी हाथ धोना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप एउटा हातले हुँदैन छ पुरा हल्दी लाग्छ तो पानी आता है पहले तो लंच हो गया लेकिन साबुन से ठीक से धोना पड़ेगा। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से जैसे जे था 9 माइल पलाकाटा का तो आज के लिए ख़त्म इतना ही। तो अभी देखते हैं रास्ता में थोड़ा सा इधर उधर चलते चलते मैं और मेरा दोस्त अभी आ गए हम लोग माधारी का प्रणामी मंदिर में यहाँ पर और यहाँ से अब हम निकलेंगे घर की तरफ। तो ये रहा मंदिर यहाँ पर सो दर्शन वर्शन हो गया फोटो वोटो लेना था ले लिया तब निकल रहे हैं।